हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटिस के जो फॉर्मेट को जो है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग डील करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे नोटिस को किस तरह से लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए, वो चीज़ को हमने देखा था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है नोटिस के फॉर्मेट को समझा जाता है, नोटिस को जो है किस तरह से लिखना चाहिए और नहीं लिखना चाहिए, उसके फॉर्मेट को जो है आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे। तो आपके समय को बर्बाद न करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिस क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे ऊपर में क्या है, इश्यूइंग अथॉरिटी। ये इश्यूइंग अथॉरिटी का मतलब होता क्या है? इश्यूइंग अथॉरिटी कहने का मतलब जो है कि नोटिस जो है कहाँ से जारी किया जाता है, नोटिस कहाँ से निकल रहा है। निकलने का कहने का मतलब है कि नोटिस को जो है कहाँ से इशू किया जा रहा है, उसी को कहा जाता है इश्यूइंग अथॉरिटी। और इश्यूइंग अथॉरिटी हो क्या सकता है? इश्यूइंग अथॉरिटी कहने का मतलब या तो वो कोई कॉलेज हो सकता है, या फिर कोई स्कूल हो सकता है, या फिर कोई क्लब हो सकता है, या फिर कोई ऑफिस हो सकता है। ठीक है, वहीं से क्या होता है कि नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है इश्यूइंग अथॉरिटी को लिखने के बाद ठीक है क्या करना है, आपको एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट उसके नीचे ठीक है, बोले थे एक लाइन जैसे ये छोड़े उसके नीचे आपको क्या करना है, नोटिस को मेंशन करना है। ठीक है, और नोटिस जो है जो मेंशन करेंगे, नोटिस जो लिखेंगे वो सब का सब क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, बोले तो बड़े अक्षरों में होगा, ब्लॉक लेटर में होगा। ठीक है, वहां पे किसी भी लेटर को हम छोटा नहीं लिखेंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, बड़े लेटर पे होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन स्किप कर देंगे। एक लाइन क्या करेंगे, फिर से हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। स्किप करने के बाद क्या करना है, जस्ट उसके लेफ्ट साइड आ जाना है। ठीक है, जस्ट उसके लेफ्ट साइड आ जाना है। और लेफ्ट साइड क्या है कि लेफ्ट साइड में जो है डेट को मेंशन करना, और डेट को जो है ऐसे मेंशन नहीं कर देना है, डेट को जो है बिल्कुल करेक्ट मैनर में मेंशन करना है। अब डेट को करेक्ट मैनर में मेंशन कैसे किया जाता है, डेट को करेक्ट मैनर में मेंशन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, डेट लिखना है, और जब मंथ लिखेंगे ना तो मंथ का पूरे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर को लिखेंगे। ये जो है नोटिस में डेट को लिखने का सबसे सही तरीका होता है, यही करेक्ट मैनर होता है। अगर उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे डेट को तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, क्या करेंगे, वहां फिर डेट लिखने के बाद एक लाइन क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। एक लाइन फिर से छोड़ने के बाद नीचे जो है हमारा क्या लिखाएगा, हेडिंग लिखाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या लिखाएगा, हेडिंग, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट पे जो है आप नोटिस, हो सकता है टूर टू दिल्ली हो सकता है, टूर टू गोवा हो सकता है, या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसको वहां पे लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, कंटेंट जैसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आपका कंटेंट जो है जैसे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ कंटेंट जब लिखेंगे तो एक बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, उसका जो नोटिस का जो है वर्ड लिमिट जो होता है वो वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो है अपना साइन करेंगे। ठीक है, और साइन करने के बाद नीचे अपना पद मेंशन करेंगे। पद कहने का मतलब क्या है, डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद। नीचे क्या लिखेंगे, साइन करने के बाद नीचे लिख देंगे डिजिग्नेशन। वहां पे डिजिग्नेशन लिखना नहीं है, वहां पे किस पद से हैं आप, अगर स्टूडेंट है तो नीचे स्टूडेंट लिखेंगे, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, ये डिजिग्नेशन लिखने के बाद क्या करना है कि नोटिस में एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरे नोटिस को क्या करना है, आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है, एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देना है। ठीक है, और बॉक्स को जो दोस्तों उस बॉक्स को जो है आप पेन के सहायता से खींचेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसको जो है एक स्केल के सहायता से जरूर खींचेंगे ताकि आपका साफ साफ नजर आए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नोटिस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।